नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आप जब तक स्वस्थ हैं तब तक ही ठीक हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपके साथ कब क्या हो जाए, ये बात कोई नहीं जानता। जी हाँ, कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ में हुआ, जहां पर छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। शनिवार सुबह कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें राजधानी रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल की ओर से जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि जोगी वेंटिलेटर पर है, लेकिन उनकी हालत में सुधार हो रहा है। उनका ECG और पल्स रेट सामान्य है, लेकिन दिमाग में सूजन और सांस लेने में दिक्कत के चलते स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। उनके जीवन के लिए अगले 48 से 72 घंटे बेहद अहम है। वही मेडिकल रिपोर्ट में एक रोचक तथ्य गंगा इमली का है। इसमें बताया गया है कि जोगी रोज की तरह शनिवार सुबह भी व्हीलचेयर पर अपने गार्डन में घूम रहे थे। इसी दौरान उन्होंने गंगा इमली खाई और इसके बाद बेहोश हो गए। इमली खाते समय उसका एक बीज जोगी की सांस की नली में फंस गया, इससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वे बेहोश हो गए। अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने बीज उनकी सांस की नली से निकाल दिया है। CT स्कैन में उनके मस्तिष्क में सेरिब्रल एडिमा यानी दिमाग में सूजन का भी पता चला है। अपने राजनीतिक जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौतियां आसानी से झेलने वाले अजीत जोगी ने शायद ही कभी सोचा होगा कि कभी इमली का बीज भी उनके लिए चुनौती बन सकता है। जोगी का राजनीतिक करियर अवसान की ओर और शरीर बीमारियों से घिर चुका है। ऐसी हालत में इमली का बीज भी उनकी जान के लिए खतरा बन रहा है।